सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे सरकमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हमें ये लगता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर ऑफ फेल्योर। सर, कैसे हम इसको हैंडल करें? अगर हम कोई किसी चीज को शुरू करना चाहते हैं सर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं सर, तो इसको कैसे हैंडल करना है सर, इस सिचुएशन को? फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है, ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहां हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज के लिए ठीक हो, हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज हैं उन सबका एक पैकेज है। वी कैन बी गुड एट फ्यू थिंग्स, वी कैन बी बेस्ट एट मे बी वन थिंग, वी कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की बजाय ये है कि या तो आप जो कॉम्पिटिशन है उससे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, अच्छे दोस्त हों, लगातार मन उस टाइप की बात ना करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना। वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटीज से जो एंडोर्फिन्स वगैरह है, हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहे तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहेंगे। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों ना चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।